गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग भी सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा, तो पूरब का भी क्लास स्टार्ट हो गया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या कर रहा है वो। तो यहाँ पे उसका क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, बिजी है वो। तो टीचर अभी कुछ कार्टून्स दिखा रही है। तो यहाँ पे ना इनका ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी लंबा चलता है। जैसे इंडिया में है कि बच्चों का क्लासेस थोड़ा कम रहता है 1-2 घंटे का, पर यहाँ पे उन लोग का 9:30 बजे स्टार्ट होता है और 2 बजे तक चलता है। तो बीच में ब्रेक्स भी होते हैं, तो इस तरह से क्लासेस चलते हैं। तो एक एक सेशन में अलग अलग क्लासेस होते हैं, जैसे कुछ लेटर्स का हो गया। अभी ये किंडरगार्टन में है तो पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन वही है एक्टिविटीज़, कुछ नंबर्स करा दिए, कुछ नंबर्स का क्लास होता है, कुछ अल्फ़ाबेट का, फिर कुछ राइम्स का, तो फिर 2-3 स्पेलिंग्स याद कराते हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्लासेस होते हैं, तो अच्छा है, चलिए सीख रहे हैं। तो आज इन लोग का लास्ट सेशन है दिसंबर का, उसके बाद आपका विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर जनवरी में ही फिर नया सेमेस्टर का क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो ये सेमेस्टर तो ख़त्म इस साल का, बस अब यही विश करते हैं कि आने वाला साल सबका अच्छा हो। साल सबका ही, सब ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। चलिए बातें तो होती रहेंगी। तो लंच में मैं बना रही हूँ पत्ते गोभी की सब्ज़ी, दाल और चावल, और कुछ फ्राइज़ कर लूँगी, पापड़ फ्राई कर लूँगी। तो ये है आज का लंच। तो लंच करने के बाद हम लोग शाम को बीच के लिए निकल गए। काफ़ी दिन हो गया था बीच में नहीं गए थे। पूरा बीच जिद कर रहा था कि मम्मा लेट्स गो टू बीच। तो हम लोग शाम को अक्सर जाते रहते हैं, लेकिन बीच में कुछ दिन का गैप हो गया था, नहीं जा रहे थे। तो फिर हमने सोचा चलो आज चलते हैं बीच। फिर रवि हमें बाद में ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग पहले ही निकल गए थे। मैं पूरब को लेके निकल गई थी। तो हमारे घर के 10 मिनट के रास्ते में ही बीच है। बहुत अच्छा है यहाँ का, यू विल लाइक इट। देखिए यहाँ पे ये सब सारे रिसोर्ट हैं, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। देखिए ये बीच के साइड सारे रिसॉर्ट्स हैं, एंड इट्स लाइक वेरी नाइस रिसॉर्ट इज माना, यू विल जस्ट लव इट, सी द ब्यूटीफुल वन बीच। ये बीच आपका वर्ल्ड फेमस बीच है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच इन द वर्ल्ड। या बेटा, या ओपन। क्या चाहिए, शायद तेरी हाँ
फिर रवि कुछ देर के बाद आ गए थे और फिर पूरब के साथ खेल रहे थे, उसे कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखा रहे थे, ऐसे करो वैसे करो। गो गो पापा विल टीच यू, कम सी हाउ ही इज डूइंग। 1, 2, 3 गो। ये तो काफ़ी अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया बीच में, बहुत ही खूबसूरत इवनिंग टाइम में बीच में आना और सनसेट व्यू करना, इट रियली अमेजिंग। थुरकियनखेकस ये टॉप 5 बीचेस में एक है, दुनिया भर से लोग आते हैं इस खूबसूरती को देखने के लिए। मैं भी इस बीच की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती हूँ। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर है, ऐसा बीच मैंने आज तक नहीं देखा, इतना खूबसूरत। मुझे और भी मौका मिलेगा तो मैं और भी अलग अलग बीचेस, या नॉर्थ केकर्स है, मिडिल केकर्स है, इन सब जगह मैं अभी तक गई नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी जाऊँगी मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बीच के साइड में बैठ के सनसेट देखना किसको किसको अच्छा लगता है आप ज़रूर बताइएगा मेरे को, इट रियली अमेजिंग, बहुत खूबसूरत लगता है। आप भी मेरे बात से सहमत ज़रूर होंगे और जब कभी मौका मिलेगा तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए, बहुत ही खूबसूरत है और आप भी बोलेंगे कि हाँ पूनम ने कहीं एक अच्छा स्पॉट बताया है आने के लिए, ये आपकी लिस्ट में तो बकेट लिस्ट में तो होना ही चाहिए। तो फैमिली टाइम इट्स रियली अमेजिंग और ये कैप्चर कर लेने को मन करता है, इतना खूबसूरत है ये मोमेंट सच में। बच्चे लोग के साथ तो हमें टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए और उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है अपने पेरेंट्स लोग के साथ टाइम स्पेंड करना। पेरेंट्स लोग उनको जब भी नोटिस देते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो दिस ऑल रियली मैटर्स।
सो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.